प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चों आज आपके वेक्टर का लेक्चर नंबर 14, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आपके लिए एक नया टॉपिक है, क्योंकि देखो अभी तक हमने जितनी प्रोसेस की है वो आपकी सब 11th और 12th मैथ फिजिक्स के अंदर पढ़ी हुई है, ठीक है। लेकिन बच्चों अब जो हम प्रोसेस करने जा रहे हैं वो थोड़ी सी नई है और जिसका बेसिक कंसेप्ट बहुत सिंपल है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को बच्चों आपको एकदम बढ़िया तरीके से कवर करना है, फिर कोई डाउट आए तो पूछना है, ठीक है। तो हमारा जो स्टूडेंट टॉपिक है आज का कि प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर अर्थात तीन सदिशों का गुणनफल। यानी अभी तक हमने ये पढ़ा है कि जब हमें दो वेक्टर दे दिए जाएं तो उनका मल्टीप्लीकेशन अर्थात उनका प्रोडक्ट यानी उनका गुणन कैसे किया जाता है। तो उसके स्टूडेंट दो प्रोसेस हमने पढ़ी, एक तो उनका डॉट प्रोडक्ट पढ़ा और एक उनका क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा। लेकिन अब हाँ, यदि तीन वेक्टर दे दिए जाएं तो क्या क्या कंडीशन अप्लाई हो सकती है वो देखेंगे। सबसे पहले किन किन केस में वेक्टर मल्टीप्लीकेशन होगा वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट मैं आता हूं ए डॉट बी क्रॉस सी, क्या ऐसा लिखा जा सकता है क्या? सिर्फ इतना सोचिए एक बार, क्या ए डॉट बी क्रॉस सी मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? तो जवाब क्या होगा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि ए डॉट बी कोई ना कोई स्केलर यानी एक अदिश राशि होगी और अदिश राशि और सदिश के बीच कभी भी क्रॉस नहीं लगता। चलो और पूछता हूं, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? ए डॉट बी डॉट सी लिख सकता हूं क्या? ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा संभव है? तो ऐसा भी स्टूडेंट रिजल्ट संभव नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं जो डॉट और क्रॉस है वो दो वेक्टर के बीच में ही लगता है, एक स्केलर और एक वेक्टर के बीच ऐसा संभव नहीं होता है, ठीक है। तो ये केस भी संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पहले ये समझना है आपको भी किन किन केस में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो और किन किन केस में नहीं कर सकते हो, ठीक है। यदि मान लीजिए स्टूडेंट कुछ ऐसा होता ए डॉट बी और सीधा सी, तो क्या ये पॉसिबल है? तो स्टूडेंट अब जवाब होगा ऐसा संभव है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था स्केलर वैल्यू का किसी वेक्टर के साथ सीधा मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन वेक्टर दो वेक्टर के बीच में डॉट या क्रॉस हमेशा लगेगा, एक स्केलर और एक वेक्टर के बीच में डॉट या क्रॉस नहीं लगता है, उनको सीधा ही लिखा जाता है। जैसे फिर और एग्जांपल करते हैं, यदि अंदर क्रॉस हो, हमने ये वो केस स्टडी किए जिनमें अंदर डॉट हो बाहर क्रॉस डॉट और सीधा हो, क्या ए क्रॉस बी क्रॉस सी ऐसा पॉसिबल है? क्या ए क्रॉस बी डॉट सी पॉसिबल है? क्या ए क्रॉस बी और सीधा सी पॉसिबल है? तीन केस हैं। तो स्टूडेंट ये केस पॉसिबल है, ये होगा लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब बात आ गई ऐसा क्यों नहीं होगा, तो आप ये देखिए कि मैंने बताया था ए क्रॉस बी एक ऐसे वेक्टर को जनरेट करता है जो दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर हो, दोनों के ऊपर लंबवत हो, यानी होगा तो कोई ना कोई वेक्टर ही होगा, तो कोई ना कोई वेक्टर ही, और सी भी वेक्टर है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट किया जा सकता है। इतनी बात समझ आ गई होगी स्टूडेंट। लेकिन मैं आगे बढ़ता हूं, तो क्या डॉट भी जायज है? हाँ, तो ये डॉट भी संभव है, क्योंकि ये भी एक वेक्टर होगा, ये भी एक वेक्टर, और दो वेक्टर के बीच के डॉट प्रोडक्ट किया जा सकता है। लेकिन जो थर्ड केस हमने लिया कि वेक्टर को सीधा वेक्टर के साथ कभी भी लिखते हुए देखा है क्या? हम 13.3 तक आ चुके हैं आपके, आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन 13.3 तक जब हमने मल्टीप्लाई किया, क्या मैंने दो वेक्टर को सीधा लिखा ए बी को? क्या किसी क्वेश्चन में आपने देखा? तो आपने ये गौर किया होगा प्लस में या माइनस में साइन होता है या डॉट या क्रॉस का साइन होता है, सीधा तो दो वेक्टर को भी साथ नहीं लिखा जा सकता। तो स्टूडेंट ये जो बातें आपको बताई गई है इनसे रिलेटेड जानकारी आपको यही याद रखनी है कि यदि दोनों राशियां वेक्टर हो, दोनों वेक्टर हो, तो उनके बीच में मल्टीप्लाई के लिए डॉट या क्रॉस हमेशा लगेगा। लेकिन यदि एक वेक्टर हो एक स्केलर हो तो उनके बीच में न तो डॉट लगेगा न क्रॉस लगेगा। दो वेक्टर का सीधा मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता, डॉट या क्रॉस लगाना कंपलसरी है, और स्केलर और वेक्टर के बीच डॉट और क्रॉस नहीं लगाया जाएगा। यहाँ पे क्यों नहीं लगाया जाएगा?
कईयों के माइंड में एक बात आती होगी कि सर होता तो भी कोई राशि है, मल्टीप्लाई तो किया जा सकता है बेटा, लेकिन डॉट लगाने का मतलब हम ये बता रहे हैं, यदि फॉर एग्जांपल मैं लैम्डा डॉट ए वेक्टर लिखता हूँ तो वेक्टर के साथ यदि मल्टीप्लाई में डॉट है तो ये वेक्टर माना जाएगा, ये स्केलर नहीं होगा, अदिश राशि नहीं होगी। यदि किसी अदिश राशि का स्केलर का वेक्टर के साथ लिखकर मैं डॉट लगाता हूँ ना बीच में, तो वो वेक्टर माना जाएगा, स्केलर नहीं होगा। इस वजह से वेक्टर और स्केलर यानी सदिश और अदिश के बीच में न तो आपको डॉट लगाना है, नहीं आपको क्रॉस लगाना है, ठीक है। हाँ, और दो वेक्टर जब आप साथ लिखते हो तो उनके बीच में डॉट होगा या क्रॉस होगा, वो हमेशा होगा। ये बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि यदि इतनी बातें आपके क्लियर रहेगी तो आगे का कंसेप्ट आपको पूरा का पूरा समझ आ जाएगा, अदरवाइज कोई ना कोई तो डाउट रहेगा, ठीक है। तो अब बच्चों आगे बारी आती है, इसके दो तरीके के होते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट की, तो वो पढ़ते हैं। इतनी बात क्लियर याद रखना आप, क्योंकि जब हम आगे के क्वेश्चन करेंगे तो उसके ऊपर बेस्ड हमें ये जानकारी चाहिएगी, क्योंकि जब डॉट क्रॉस की कंबाइंड जब क्वेश्चन बन जाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसे आप हिंदी में कहते हो अदिश त्रिक गुणन। तो कुछ एक बात तो आप दिमाग में हमेशा रख लो, यदि स्टार्टिंग में नाम स्केलर यानी अदिश है तो जो आपका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, एक अदिश राशि होगा, क्लियर है। यदि ऐसा कुछ है तो आपका जो रिजल्ट है वो क्या होगा, एक अदिश राशि होगा। तो इसको अलग अलग हम प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप समझेंगे। आज का जो हमारा पूरा लेक्चर अब जितना भी है वो सब इसके ऊपर बेस्ड रहेगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि अदिश त्रिक गुणन को कैसे लिखा जाता है। मान लीजिए स्टूडेंट आपके पास तीन वेक्टर हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, उनके अदिश त्रिक गुणन को कुछ ऐसा लिखा जाता है ए बी सी, इस तरीके से। और इसको सोल्व करते हैं तो इसको लिखा जाता है ए डॉट बी क्रॉस सी। बस समझ आ गई, इसको स्टूडेंट क्या लिखा जाता है, ए डॉट बी क्रॉस सी। इतनी बात याद रह जाएगी। याद रखना स्टूडेंट, यदि आपके पास तीन ऐसे वेक्टर दे दिए जाएं ए बी सी जिनका आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अर्थात अदिश त्रिक गुणन करना है या इस तरीके से लिखा हुआ दिखे, तो इसका मीनिंग क्या होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी, यानी इसकी यदि हम वो डेफिनेशन बताना चाहें तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का तीसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो उनका क्या कहलाएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अर्थात अदिश त्रिक गुणन। दोबारा रिपीट हिंदी में और बोल देता हूँ कि दो सदिशों के सदिश गुणनफल का यदि कोई तीसरा सदिश है उसके साथ मैं अदिश गुणनफल अर्थात डॉट प्रोडक्ट करता हूँ, तब जो रिजल्ट जो भी होगा वो क्या होगा, अदिश त्रिक गुणन अर्थात स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा। बताइए बच्चों इतनी बात समझ आ गई क्या, याद रख लोगे, सिंपल सा फॉर्मूला है, ए बी सी को क्या लिखा जाएगा, ए डॉट बी क्रॉस सी। अब बी क्रॉस सी आप निकालना जानते हो, डॉट करना जानते हो, तो प्रोसेस तो कुछ नहीं है ही नहीं, यानी प्रोसेस तो सारी पीछे वाली आ गई वे डॉट और क्रॉस वाली, हाँ लेकिन इसमें डॉट भी साथ में आ गया और क्रॉस भी साथ में आ गया, क्लियर हुआ इतना। अब बच्चों मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी आना चाहूँगा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी आते हैं पहले, उसके बाद इसके ज्योमेट्रिकली जो क्या ये रिप्रेजेंट करेगा उसके ऊपर आएंगे, इसको पहले दर्शाया कैसे जाएगा उसको आएंगे। तो सबसे पहले बच्चों मैं इसकी प्रॉपर्टीज पे आता हूँ भाई, इसका बेसिकली मीनिंग क्या है, कैसे लिखा जाएगा। तो जो इसके जो रूल है वो आपको याद रखने के लिए आप एक सर्कल याद रख लो, सर्कल कोई डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ही मान लो, ये ए वेक्टर मान लो, ये बी वेक्टर मान लो, ये क्या मान लो सी। तो इसको लिखने के क्या क्या तरीके हैं, वो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए, तो यदि मैं ए से स्टार्ट करूं तो मैं क्या लिखूंगा, ए डॉट बी क्रॉस सी। यदि मैं बी से स्टार्ट करूं तो क्या आएगा, बी डॉट सी क्रॉस ए। और यदि स्टूडेंट मैं सी से स्टार्ट करूंगा तो क्या आएगा,
सी डॉट ए एक रो से बी। बस समझ आ गई, यानी एक ही वैल्यू को मैं तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, लिख सकता हूं। यानी ए बी सी को, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस ए और सी डॉट ए क्रॉस बी। ये आपको रूल याद रखना है, सर्कल के तरीके से। सर्कल बनाने का रीजन ये था कि आप इसमें ऑर्डर को चेंज मत कर देना, जैसे ये बी डॉट सी क्रॉस ए है, इसको ए क्रॉस सी मत कर देना, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो क्रॉस प्रोडक्ट में यदि नंबर्स को आगे पीछे कर दिया जाए, सॉरी वेक्टर को आगे पीछे कर दिया जाए, तो आगे नेगेटिव साइन लग जाता है और रिजल्ट फिर पूरा चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा सी डॉट ए क्रॉस बी। अब स्टूडेंट एक बात और, आप सब जानते हो जो अदिश गुणनफल है वो क्रम विनिमेय में होता है, यानी जो आपका स्केलर प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, वो कम्यूटेटिव होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है बी क्रॉस सी डॉट ए, सी क्रॉस ए डॉट बी और ए क्रॉस बी डॉट सी, ठीक है। तो स्टूडेंट यदि इसको मैं ए बी सी लिखता हूं तो ये क्या बनेगा, बी सी ई, और ये क्या बन जाएगा, सी ए बी। यानी देखने में अलग जरूर है लेकिन बच्चों इनका जो बेसिकली मीनिंग है, जो इनका रिजल्ट है वो एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। ध्यान से देखिए, ये इतनी बातें जो लिखी है क्यों, आगे हमारी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी है कि ए बी सी को ए डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस ए या सी डॉट ए क्रॉस बी भी लिखा जा सकता है। इससे आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा उसकी चर्चा अब हम करेंगे, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट क्रम विनिमेय में होता है, तो इसको बी क्रॉस सी डॉट ए लिख दो, सी क्रॉस ए डॉट बी लिख दो या ए क्रॉस बी डॉट सी लिख दो, तो बात है एक ही है, ठीक है। और ये ए बी सी, ये हो जाएगा बी सी ए या सी ए बी, तीनों का मतलब एक ही है। यदि क्वेश्चन में ए बी सी की जगह बी सी ए हो या सी ए बी हो, ठीक है, तो आप ये मत लेना कि उनका रिजल्ट अलग अलग हो जाए। उनका बच्चों बेसिकली अर्थ एक ही निकलेगा, अर्थ अलग अलग नहीं है, बेसिक मीनिंग एक ही है, ठीक है, सिर्फ लिखने का तरीका चेंज किया है। क्लियर होगी इतनी बात, कोई डाउट नहीं होगा। अब बच्चों कई बार इसके एक सिंपल प्रोसेस है उसका हम यूज करते हैं, पर वो प्रोसेस क्या होगी, डायरेक्टली इसको कैसे किया जाएगा, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान करते हैं। इतनी बात समझ आ गई होगी, कोई डाउट नहीं है, लिखने का प्रोसेस समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो किया कैसे जाएगा वो देखिए। एक तो ये प्रोसेस सही है कि पहले इनका क्रॉस करो फिर डॉट कर लो, लेकिन यहाँ से एक रिजल्ट बनता है स्टूडेंट इम्पोर्टेंट, वो जो आपको समझना है। देखिए मान लीजिए कि ए वेक्टर मैंने मान लिया एक्स वन आई वाई वन जे जेड वन के, बी वेक्टर मैंने मान लिया एक्स टू आई वाई टू जे जेड टू के और सी वेक्टर मान लिया एक्स थ्री आई वाई थ्री जे और जेड थ्री के, ठीक है, ये मान लिया। अब जो रूल था स्टूडेंट, हमने ये पढ़ा था ए डॉट बी क्रॉस सी, कुछ ऐसा, ठीक है भी, हमने क्या पढ़ा था ए डॉट बी क्रॉस सी, तो उस रूल के अकॉर्डिंग मैं फाइंड आउट करता हूँ। पहले डॉट नहीं होगा, पहले क्रॉस होगा बी क्रॉस सी का। तो सबसे पहले स्टूडेंट यदि मैं यहाँ पे बी क्रॉस सी सोल्व करता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा, देखिए आई जे एंड के, बी है एक्स टू वाई टू जेड टू और सी एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री, ठीक है स्टूडेंट, इतना इतनी बात दिमाग में आई होगी आपके, आगे बढ़े। तो अब मैं यदि इसका प्रसार करता हूं तो आई कैप क्या आ जाएगा, वाई टू जेड थ्री माइनस वाई थ्री जेड टू, ठीक है, कोई दिक्कत है। माइनस जे कैप क्या जाएगा, एक्स टू जेड थ्री माइनस एक्स थ्री जेड टू प्लस के कैप के साथ स्टूडेंट क्या जाएगा, एक्स टू वाई थ्री माइनस एक्स थ्री वाई टू, एक्स टू वाई थ्री माइनस एक्स थ्री वाई टू, इतनी बात क्लियर होगी।
और ये तो हमारा किया हुआ भी है, प्रीवियस जो भी हमने एक्सरसाइज की उसमें यही तो सॉल्व किया है पीछे वाले दो लेक्चर में। अब आगे बढ़ता हूं, अब मुझे क्या करना है, ए डॉट बी क्रॉस सी करना है। तो स्टूडेंट आप सब जानते हो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई वाला आई के साथ लगेगा, जे वाला जे के साथ और के वाला के साथ। तो यहां से जो x1 है वो इसके साथ लगेगा तो वो आ जाएगा x1 y2 z3 माइनस y3 z2, कुछ ऐसा आ जाएगा। j के साथ क्या लगेगा, j वाला यानी y1, तो क्या आ जाएगा माइनस का y1 x2 z3 माइनस x3 z2 प्लस k कैप के साथ, k कैप वाला लगेगा और यहां पे क्या है z1 है, तो z1 x2 y3 माइनस x3 y2। इतने बात समझ आ गई। अब बच्चों इसको और इसको देखो, सिर्फ चेंज क्या हुआ है, i j k की जगह क्या आ गया, x1 y1 z1, कुछ ऐसे ही हुआ होगा। एक बार इस पे फोकस कीजिए, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए इसको भाई। आप यदि इन दोनों का कंपैरिजन करो, तुलना करते हो, तो आपको i की जगह तो x1 दिखाई देगा, j की जगह y1 दिखाई देगा और k की जगह क्या दिखाई दे रहा है, z1। तो इसको यदि मैं उल्टा लिखूं वापस, तो यहाँ पे x1 y1 z1 लिख दूं तो कंप्लीट प्रोसेस यही बन जाएगी। तो इसको मैं इस तरीके से नहीं लिख सकता क्या, रिवर्स, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो ये आपका एक रिजल्ट बन गया। यदि आपको डॉट और क्रॉस में दिक्कत आई, यदि आपको डॉट और क्रॉस में दिक्कत आए तब आप क्या करोगे, तब आप डिटर्मिनेंट अर्थात सारणी का इस्तेमाल करोगे। ए बी सी क्रम का ये ध्यान रखना, क्रम इंपॉर्टेंट है, जो पहले है वो पहली रो बनेगा, जो दो नंबर पे है वो दूसरी रो बनेगा, और जो तीन नंबर पे है वो आपका तीसरी रो बनेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, रो आगे पीछे मत कर देना, वरना आपको पता है डिटर्मिनेंट का कि यदि किसी सारणी की दो पंक्तियों को ऊपर नीचे आपस में बदल दिया जाए तो उसके आगे माइनस का निशान लग जाता है। एक बार बदलने पर, दो बार बदलो तो फिर वापस माइनस 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 क्या हो जाएगा, वो प्लस। उसका मैं रीजन बता देता हूं। जैसे मैंने देखो एक बात बताई थी अभी आपको, इसको बी डॉट ए क्रॉस सी भी लिखा जा सकता है ना, सॉरी सी क्रॉस ए और सी डॉट ए क्रॉस बी, यानी इसको ए बी सी, बी सी ए और इसको सी ए बी भी लिखा जा सकता है। तो आप देखो मैं प्रत्येक बार दो का निशान बदल रहा हूँ। इसके लिए पहले मैंने किसम को बदला, ए और बी को बदलो, फिर ए और सी को बदलो, तो दो चेंज हो गए। तो एक बार नेगेटिव, दूसरी बार नेगेटिव, वो क्या साइन देगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो जो डायरेक्टली भी निकाला जा सकता है। अब स्टूडेंट डिटर्मिनेंट का एक विशेष रूल होता है, वो रूल ये होता है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट में सारणिक में दो पंक्तियां या कोई दो स्तंभ एक जैसे हो जाए, कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ क्या हो जाए, एक जैसे हो जाए, तो हमें उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाता है बेटा, जीरो हो जाता है। ठीक है, ये रूल आपको याद रखना है। ये जीरो कब होगा, जब, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सारणिक की एक खासियत होती है, एक रूल है कि यदि किसी सारणिक की दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ एक जैसे हो जाए, कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ एक जैसे हो जाए, तो उस कंडीशन में जो आपकी सारणी का उसका आंसर क्या आएगा, जीरो। ठीक है, तो यहां से एक रिजल्ट क्या बन गया, अभी दो पंक्तियां एक जैसी कब होगी, दो पंक्तियां एक जैसे होने का मतलब कोई दो वेक्टर एक जैसे होने हो गया या नहीं हो गया भाई, कोई दो पंक्ति एक जैसे होने का मतलब क्या हो गया कि कोई दो वेक्टर एक जैसे हो गए। इससे ये रिजल्ट निकलेगा बच्चों, यदि आपको ए बी सी ये तीन निकालने हैं, इनमें से कोई भी दो यदि एक जैसे हो जाएं तो इसका डायरेक्ट आंसर आप क्या लिखोगे, जीरो लिखोगे। याद रह जाएगी ये बात, ये रूल था बच्चों, और इसके लिए ये बात समझनी जरूरी थी। सबसे पहले ये समझा कि भाई इसको सारणिक के प्रोसेस में कैसे लिखा जा सकता है, हमने इसको सारणिक के प्रोसेस में लिखना सीख लिया। जो पहला वेक्टर है वो पहली रो बन जाएगा, दूसरा वेक्टर दूसरी रो बन जाएगा, तीसरा वेक्टर तीसरी रो बन जाएगा। लेकिन सारणिक का जो रूल होता है कि दो पंक्ति एक जैसी हो जाए तो वो क्या हो जाती है, उत्तर जीरो। तो दो जीरो एक जैसे होने का मतलब, यदि मान लो ये दोनों एक जैसे हैं या ये दोनों या पहला तीसरा, तो यानी कोई दो वेक्टर एक जैसे हो गए ना, फिर
तो इसका अर्थ बेटा ये हो जाएगा, आपको सिंपल ये याद रखना है कि यदि कोई वेक्टर ए बी सी कुछ ऐसा आपको दिखाई दे, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आपको कुछ ऐसा दिखाई दे और इनमें कोई भी दो एक जैसे हो, चाहे पहले वाले हों, दोनों बाद वाले हों या पहला और लास्ट हो, उस कंडीशन में उनका जो ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, जीरो। ठीक है स्टूडेंट, तो एक बार इतने देखो, कोई डाउट है तो मैं आपको एक मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत है तो देख लो एक बार। कोई डाउट है तो एक बार नजर डालो, भी हमने भी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा है अदिश त्रिगुणनफल, वो किया कैसे जाएगा, तो उसको लिखने का तरीका ये होगा, इसको लिखा जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, फिर आगे इसको जो मैथमेटिकली यानी सारणिक के थ्रू ऐसा लिखा जा सकता है, प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी भी, इनका क्रम किस तरीके से आगे पीछे किया जा सकता है, या ये जीरो कब होगा, जब कोई भी दो वेक्टर एक जैसे हो जाए। अब बात आती है स्टूडेंट ये ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो देखिए, इतनी बात क्लियर होगी, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ। आगे देखिए किसके जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है अर्थात जो इसकी ज्यामितीय व्याख्या है वो कैसे होगी, देखिए स्टूडेंट आगे, जो मैट्रिकल मीनिंग इसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो क्या होगा, अर्थात इसकी जो ज्यामितीय व्याख्या है, यानी बेसिकली ये ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो देखिए मान लीजिए स्टूडेंट ये आपका कोई षटफलक है, ठीक है, जिसके अंदर सिक्स सरफेस होती है, ठीक है, तो यदि ये आपका ओरिजिन अर्थात मूल बिंदु है, ये आपका ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, ठीक है, क्लियर है, तो आप ये देखिए कि यदि मैं ए बी सी कुछ इसको ऐसा मान के चलता हूं और इसको मैं लिखता हूं ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है, ये मान के चलिए परपेंडिकुलर नहीं है स्टूडेंट सारी, ये कुछ टेडी है, इसको ऐसे मान के चलो, एक बार परपेंडिकुलर मान के चलो तो थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगा बी, ठीक है, ये लंबवत नहीं है, तीनों मतलब तीन वेक्टर एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं, तीनों लंबवत नहीं है आपस में, परपेंडिकुलर नहीं है, अलग अलग है, ठीक है, तो बी क्रॉस ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होगा, ये जो वेक्टर है वो मान लीजिए बी क्रॉस सी का जो लंबवत वेक्टर है वो कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है, जो इनके बीच क्या जनरेट कर रहे हैं थीटा एंगल, ठीक है, तो क्या आ जाएगा ए बी क्रॉस सी और कोस थीटा, इसको क्या लिखा जा सकता है बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ए कोस थीटा कुछ ऐसा, ठीक है स्टूडेंट, तो इसके अकॉर्डिंग इसको बी यहाँ पे लिया जाएगा और फिर ए यहाँ पे लिया जाएगा, ठीक है, अब ये थोड़ा सिस्टम सही हो गया, ठीक है, हमने स्टूडेंट सबसे पहले क्या किया, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिए, इसका जो ज्योमेट्रिकली मीनिंग लिया, मैंने एक सिक्स सरफेस वाला एक बॉक्स ले लिया षटफलक, जिसका एग्जांपल होता है क्यूब या क्यूबॉइड, ठीक है, यानी घन और घनाभ, लेकिन बस बात इतनी है कि उसमें वो सारी परपेंडिकुलर अर्थात लंबवत होती है, ये थोड़ा सा टेढ़ा यानी पैरेलल है, इसके सिक्स जो सरफेस है वो पैरेललोग्राम अर्थात समांतर चतुर्भुज से बनी है, और क्यूब और क्यूबॉइड यानी जो घन और घनाभ होता है वहां पे आयत और वर्ग का जिक्र होता है, ठीक है,
तो यदि B और C का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, मान लीजिए वो ये लाइन है OP, ठीक है, OP वेक्टर है। तो मैंने ये कैसे आई, तो आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है बच्चों, वो एक ऐसा नया वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा जो उन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर हो, अर्थात लंबवत हो। तो जो OP है वो मैंने ये मान लिया B और C के ऊपर क्या है, लंबवत है, और ये आपका हो गया। तो A cos थीटा क्या हो जाएगा, ये आपका A है, तो A cos थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण के इस आधार पे, इसकी एक तरीके से हाइट को नहीं बताएगा क्या, ठीक है। तो स्टूडेंट ये जो रिजल्ट होगा ये इसके किसको बता रहा है, वॉल्यूम को, किसको बता रहा है, वॉल्यूम अर्थात आयतन को बताएगा, ठीक है। ए इसका ये जो बेस और ये कंप्लीट, जो बेस इनटू हाइट होता है बच्चों, वो किसका फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, किसके, षटफलक के आयतन का, या जो आप कहते हो षटफलक यानी जो सिक्स सरफेस से बंद हो, ठीक है। बस समझ आ गई होगी स्टूडेंट इतनी, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, यानी आपके क्वेश्चन आ जाएगा कभी कि आपको ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करता है, ये तो नहीं पूछा जाएगा, हाँ, लेकिन ये बेसिकली दर्शाता क्या है, तो वो एक जो सिक्स सरफेस से जो बंद आकृति होती है उसको वॉल्यूम को बताएगा, और कब, जब एक ही पॉइंट से आपके तीन डिफरेंट वेक्टर निकल रहे हो, ठीक है। और बस थोड़ा सा याद रखना, बेस इंटू हाइट वाला कंसेप्ट पे हम आए हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट इतना, आज के लेक्चर के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।